अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ फोर्थ एडिशन है, प्रॉब्लम 2.19 है। वो कहता है कि जी डेल क्रॉस ई निकालो किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2.8 से डायरेक्टली, और मेथड आप यूज करें 2.22 में जो दिया गया है। वो कहता है कि जो प्रॉब्लम है 1.63 उसको आप देख सकते हैं अगर आप स्टक कर हमें ऐसा, उसका मैं रेफरेंस नीचे दे दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमने लिखा हुआ है, ये अब आपके पास टूल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन r, टोटल चार्ज है r स्क्वायर और r यूनिट वेक्टर है। तो अब हम लिख सकते हैं कि भाई q की वह जगह क्या लिखा जा सकता है, रो dv वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए हमने वो कंसिडर कर लिया। अब इसके साथ r प्राइम dv प्राइम है क्योंकि हम उसका एक पैच लेके ओवरऑल डिस्कस करेंगे, टोटल वॉल्यूम को इंटीग्रेट कर लेंगे। अब जनाब क्या है, दोनों तरफ डेल का साइन आ गया, डेल क्रॉस बना दिया दोनों तरफ का। अब ये आर यूनिट वेक्टर था, इसे हम आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो ये आर वेक्टर ओवर आर क्यूब आ जाएगा और इसको भी हमने बाहर ले लिया। अब अगर आप देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डेल क्रॉस आर के बीच में आएगा और वो जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होगा तो पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं डेल क्रॉस भी जीरो होगा। अब ये जीरो कैसे होता है उसकी डिटेल थोड़ी हमने ऐसे ले ली कि डेल क्रॉस आर में आप ले लेंगे। अब आपके पास हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जी एक्सिस तो वाई के लिहाज से चेंज नहीं होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस भी जी के लिहाज से चेंज नहीं आएगी तो जीरो हो जाएगा। इस तरह होल फैक्टर आपके पास एक ऐसा बन गया जो जेड वाई के लिहाज से नहीं चेंज हो सकता, वाई जेड के लिहाज से चेंज नहीं हो सकता, एक्स जेड के लिहाज से चेंज नहीं, और इंडिपेंडेंट होते हैं ये, तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब इसका नतीजा क्या, अब हम कहेंगे कि जो स्टैटिक चार्जेस होंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट होगी यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो उसमें कोई रोटेशन नहीं आएगी। कर्ल कितनी होगी, जीरो। डेल क्रॉस ई का मतलब कि कर्ल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी है, जीरो है। इसके एक दूसरी सेंस भी ली जा सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल है। आप कह सकते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो, तो इसका मतलब जो पाथ है ए, जो पोटेंशियल है ए और बी के बीच में, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, चाहे आप ए से बी ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, आपका जवाब क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे यानी मैंने कहा कि ए से बी और वापस आएंगे तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अगर हम इसका एक और सेंस लें कि जब वहां पे कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगी हुई और कोई मूविंग चार्जेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रही होती है, तो ये भी इसका एक नतीजा किया जा सकता है। तो ये हमारे पास इस सारे के फिजिकल सिग्निफिकेंस कह सकते हैं आप इस चीज की। तो ये हमारे पास रिजल्ट था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।